हवे કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન હર્ષવર્ધન જીની સાંભળીએ. तक जाना, डिस्ट्रिक्ट तक जाना, नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब जगह तक जाना, उसके लिए जितनी भी कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट और लॉजिस्टिक्स जो विशेष रूप से कोविड के कंटेक्स्ट में ज़रूरी है और जो हमारे पास पहले से उपलब्ध थी, और उसमें स्टेट्स के साथ कंसल्ट करके वो सारे जो गैप्स हैं उनको पिछले समय में हम लोगों ने पूरा किया है. उसके लिए जो जो चीज़ें खरीदनी थी वो सारे इक्विपमेंट्स कोल्ड चेन को, सारी व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए किए गए हैं आपके साथ कंसल्टेशन करके. इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि सारे देश में पिछले कुछ महीनों से एक डिटेल्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें नेशनल लेवल पर 2300 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया, उसके बाद स्टेट लेवल की ट्रेनिंग्स, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग्स, नीचे लेवल तक जिन लोगों ने आखिर में वैक्सीनेशन देना है, हमारे वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, यानी हमारी जो हेल्थ की जो नीचे की टीम्स हैं, उन सब लोगों को भी करीब जो है ये ट्रेनिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है. सभी देश के डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी हम लोग आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जहां भी किसी भी लेवल पे कोई भी ट्रेनिंग का काम अगर बाकी हो तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर लेना चाहिए. जो हेल्थ वर्कर्स का डाटा बनाने का जो काम स्टेट्स को दिया गया था वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कंप्लीट हुआ है. जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग ये 2.30 लाख, यानी 2,30,000 हेल्थ फैसिलिटीज़ का डिटेल्ड डाटा जो है वो अब तक जो है वो उपलब्ध कराया जा चुका है. और इस नाते इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी इस डाटा को भी और अपडेट करने के लिए आवश्यकता है तो वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के व्यक्तिगत निरीक्षण में उस काम को भी जो है पूरा कर लेना चाहिए. मैं अभी क्योंकि डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा तो जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स की डिटेल्स के बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन विशेष रूप से एक बात को ज़रूर आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी हमारे कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर किसी भी वैक्सीन को लगाने पे कोई छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट भी होता है या कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं. और इस कोविड के वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए भी डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स आपको सबको एडवाइस किए गए हैं कि आधा घंटा मान लीजिए ऑब्जर्वेशन में रखना है हर एक व्यक्ति जिसको इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा. कोई अगर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है तो उसको उस इम्यूनाइजेशन साइट से हेल्थ फैसिलिटी में ट्रांसफ़र करने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसकी चिंता है, या जो वहाँ पर जो इमरजेंसी किट है उस किट में एडलिन है या दूसरी दवाइयाँ क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपको सब बताई गई हैं. इनको विशेष रूप से हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री लोग इनके ऊपर विशेष रूप से, और ख़ासकर जो टास्क फोर्स और स्टीयरिंग कमेटीज़ स्टेट लेवल पर और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे ब्लॉक लेवल तक बनाई गई हैं, और जिसके अंदर जो साथ में कहा गया है कि एनजीओज का जो रोल है उसको हम विशेष रूप से ज़रा स्ट्रेंथन कर लें. ये बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस, अफवाहें, गलत तरीके से हमारी जो सारी चीज़ों को प्रचार करने का भी एक प्रकार से दुष्प्रयास सारे देश में